की फसल से मिलने वाला धन तो पानी की तरह बह जाता है, परंतु धान उगाने में लगने वाला भूजल कभी वापस नहीं आता। धान उगाने के चक्कर में अपनी आने वाली पीढ़ियों के पानी जैसे अमूल्य धन को बर्बाद ना करें। सो गाइस, ये एक स्टेटमेंट है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई है। इसी स्टेटमेंट के थ्रू इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। आज के इस लेक्चर में हम इसी स्कीम को कवर करेंगे। तो सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस दी गई है और सरकार कैसे फार्मर्स को इसका बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, हम वो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आई एम योर होस्ट प्रदीप यादव फ्रॉम एग्रीएंस एकेडमी देहरादून। तो जो हमारी स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, इसको लॉन्च किया गया 17 मई। जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है, वहीं उसी लॉकडाउन के दौरान किसी भी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की जाने वाली ये पहली स्कीम है जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। और ये लॉन्च की है किसने? हरियाणा सरकार ने। सवाल सबसे पहले यहां पर ये उठता है कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई, इसके पीछे क्या मकसद है और इसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो गाइज, जो मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट शो की, उस स्टेटमेंट में जनरली दो पॉइंट्स पे फोकस किया हुआ है। सबसे पहले धान की खेती यानी कि पैडी कल्टीवेशन, उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट या यू कहे वाटर शॉर्टेज। तो जब सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया, इस लॉन्च के दौरान उन्होंने कुछ एक आंकड़े पेश किए जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पैडी। सरकार ने यह कहा कि 1 किलो चावल को प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 5,000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा भी होगा एग्रोनॉमी के अंदर, जब हम स्टडी करते हैं राइस कल्टीवेशन के बारे में, तो वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ होता है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस ग्रेन 5,000 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब हम बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा हर साल ऑन एन एवरेज 68 लाख यानी 68 लाख मीट्रिक टन राइस प्रोड्यूस करता है। तो इतने प्रोडक्शन के लिए आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो काफी डिक्रीज हो चुका है। तो उस ग्राउंड के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि आने वाली जनरेशन को हम एक पर्याप्त मात्रा में पानी प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस स्कीम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कुछ 3 से 4 पॉइंट इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको क्लियरली पता चले कि ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई, फार्मर्स को क्या बेनिफिट दिया जाएगा और सरकार ने और कौन कौन से पॉइंट्स को फोकस किया है ताकि वो स्कीम को एक सक्सेसफुल स्कीम बना सके। तो पहला इसके अंदर पॉइंट है चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा लॉन्च द स्कीम मेरा पानी मेरी विरासत टू एड्रेस द इश्यू ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड टू सपोर्ट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन द स्टेट। क्लियर है पॉइंट? सबसे पहला फोकस है सरकार का वाटर शॉर्टेज के इश्यू को उजागर करना, उसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको सपोर्ट करना। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये समझो कि कुछ ऐसी क्रॉप्स को इस्तेमाल करना चावल की जगह, पैडी की जगह, जो कम वाटर कंज्यूम करती है। अंडर दिस स्कीम फार्मर्स टेकिंग अप अल्टरनेटिव क्रॉप्स अदर देन पैडी ड्यूरिंग दिस सीजन विल गेट एन इंसेंटिव ऑफ ₹7,000 पर एकड़। कोई भी किसान जो इस सीजन में, जो इस खरीफ सीजन में पैडी की कल्टीवेशन के अलावा कुछ और ऐसे अल्टरनेटिव क्रॉप का इस्तेमाल करेगा ग्रो करने के लिए जो कम पानी में इजिली ग्रो हो जाती है, सरकार उन सभी फार्मर्स को प्रति एकड़ के हिसाब से ₹7,000 प्रोवाइड करेगा। समझ आया? दोबारा सुनो इसमें क्या कहा है कि कोई भी एक ऐसा किसान जो अपने फील्ड में धान की खेती के अलावा कुछ ऐसी फसलों को उगाए जो कम पानी में इजिली ग्रो कर जाती है, सरकार उन सभी फार्मर्स को ₹7,000 पर एकड़ के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, फार्मर्स कैन स्विच टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। अब देखो यहां पे सरकार ने क्रॉप्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि ऐसी कौन सी क्रॉप को फार्मर उगा सकता है जो इजीली लेस वाटर में ग्रो कर सकती है। मेज, बाजरा, उड़द दाल, अरहर दाल, तिल और उसके बाद कॉटन। तो अगर फार्मर पैडी की जगह इन क्रॉप को इस्तेमाल करेगा अपने फील्ड में ग्रो करने के लिए, तो सरकार उस हर एक फार्मर को ₹7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड दैट परमिशन विल नॉट बी ग्रांटेड फॉर पैडी कल्टीवेशन ऑन पंचायती लैंड वेयर द ग्राउंड वाटर लेवल हैज डिप्लीटेड बिलो 35 मीटर। अब ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहा गया है कि जो पंचायती जो जमीन है, हर एक गांव में एक पंचायती जमीन होती है, तो सरकार ने यह कहा कि उस पंचायती जमीन के ऊपर कोई भी सरकार या कोई भी पंचायत, ग्राम पंचायत, उस पर पैडी की कल्टीवेशन नहीं करेगा। बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ फार्मर्स इस स्कीम को फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे।
क्योंकि वो उनकी पर्सनल जमीन है। बट जो जमीन सरकार के अंदर आती है, जो जमीन सरकार के अंदर आती है, सरकार एटलीस्ट उस जमीन के ऊपर इन रूल को फॉलो कर सकती है स्ट्रिक्टली। तो इसलिए ये रूल यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होगा कि पंचायती लैंड के ऊपर कोई भी ग्राम पंचायत उस जमीन पे पैडी की कल्टीवेशन नहीं करेगा जिसका ग्राउंड वाटर लेवल जो है 35 मीटर से नीचे जा चुका है। क्लियर है? तो ये कुछ एक पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको क्लियरली पता लग जाएगा स्कीम क्यों लॉन्च की गई, फार्मर को किस तरह का बेनिफिट दिया जाएगा और सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद है डार्क जोन्स। यहां पे डार्क जोन का मतलब है कि कुछ ऐसे एरिया जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल एक लिमिटेड पॉइंट से नीचे जा चुका है और उस एरिया में धान की खेती को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है अराउंड 36 ब्लॉक्स हैव बिकम डार्क जोन्स एज ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन रेट हैज डबल्ड इन दीज एरियाज। टोटल 36 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी हद तक डिक्रीज हो चुका है। द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम विल इंक्लूड दोज 19 ब्लॉक्स वेयर द ग्राउंड वाटर लेवल हैज डिप्लीटेड ओवर 40 मीटर्स। जोन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 ब्लॉक्स। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जोन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 ब्लॉक्स, उनके नाम दिए हुए हैं रतिया, सिवान, गुला, पीपली, शाहबाद, बबेन, इस्माइलाबाद और उसके बाद सिरसा। तो ये 8 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पे हर साल चावल की खेती के बाद जो वहां का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 35 मीटर से नीचे जा चुका है। तो सरकार का मेन फोकस ये इन 8 ब्लॉक्स के ऊपर है। तो दीज 8 ब्लॉक्स आर स्ट्रिक्टली इंक्लूडेड इन द डार्क जोन्स जहां पे सरकार ने चावल की खेती करने को प्रमोट नहीं किया। क्लियर है? रीजन उसका है बिकॉज दीज एरिया हैव ड्राइड अप ड्यू टू एक्सेस वाटर यूसेज टू ग्रो पैडी इन द लास्ट 12 ईयर्स। सो अगर हम जोन्स की बात करें तो टोटली 8 ऐसे जोन्स हैं जहां पे सरकार ने स्ट्रिक्टली ये कहा है कि अगर हम उस एरिया में पैडी की कल्टीवेशन करेंगे तो वाटर के लेवल को और भी खतरा इंक्रीज हो सकता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सब्सिडी फॉर माइक्रो इरिगेशन के बारे में। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन बोल सकते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन बोल सकते हैं। अब देखो यहां पे डबल बेनिफिट है फार्मर के लिए। सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम हर एक उस फार्मर को 7,000 रुपए प्रोवाइड करेंगे जो धान की खेती को छोड़कर इस बार किसी ऐसी क्रॉप का इस्तेमाल करे जो कम पानी में इजिली ग्रो हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सब्सिडी के बारे में। अगर फार्मर उन क्रॉप्स के साथ साथ अगर ड्रिप इरिगेशन को भी फॉलो करता है तो हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। सब्सिडी किस चीज के लिए? ड्रिप इरिगेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। और सब्सिडी कितनी है? वह 85%। सो हरियाणा गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड 85% सब्सिडी टू द फार्मर्स अडॉप्टिंग ड्रिप इरिगेशन और अदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अलॉन्ग विद द ग्रोइंग अल्टरनेटिव टू पैडी। पैडी के अलावा कुछ ऐसी क्रॉप जो वो इस्तेमाल कर रहा है ग्रो करने के लिए, अगर वो उस क्रॉप के साथ साथ ड्रिप इरिगेशन को भी इस्तेमाल करता है तो सरकार 7,000 रुपए के साथ साथ उसको ड्रिप इरिगेशन पे 85% की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। तो ये एक तरह का डबल बेनिफिट है फार्मर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा प्रोड्यूसेस नियर अबाउट 68 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ पैडी इंक्लूसिव ऑफ 25 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ बासमती इन ओवर 32 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। ऑन एन एवरेज ईच किलो ऑफ राइस ग्रेन प्रोड्यूस रिक्वायर्स अराउंड 4 to 5,000 लीटर ऑफ वाटर। तो ये वो डेटा है जो सरकार ने पेश किए थे इस स्कीम को लॉन्च करने के दौरान, जिसमें क्लियरली बताया गया है वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर हम हर साल अगर इतना चावल यूज करते हैं तो उसके लिए कितना हम पानी इस्तेमाल करते हैं ग्रो करने के लिए। तो इस पानी को कंजर्व करने के लिए मेन मकसद था ये स्कीम को लॉन्च करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स विविधता, वेरिएशन लेके आना। तो जब भी हम बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो क्रॉपिंग सिस्टम में कुछ ऐसा पैटर्न लेके आना जिसके थ्रू फार्मर एक क्रॉप पे डिपेंड ना होके बहुत सारी क्रॉप्स को एक समय पे ग्रो कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ न्यू क्रॉप्स और क्रॉपिंग सिस्टम टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑन ए पर्टिकुलर फार्म। इट टेक्स इन टू अकाउंट द डिफरेंट रिटर्न फ्रॉम वैल्यू एडिड क्रॉप एंड अदर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। अब इसके हैं कुछ एडवांटेजेस कि अगर यहां पे गवर्नमेंट बात कर रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए तो उसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं जो फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल साबित होंगे। पहला पॉइंट है, इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो ये सिस्टम है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने का काम करता है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर हम ये सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो फार्मर सिर्फ एक ही क्रॉप पर डिपेंड रहता है,
बट अगर जब ये सिस्टम फॉलो करते हैं तो फार्मर के पास वेरिएशंस है अलग अलग क्रॉप को फॉलो करने के लिए, डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर एक क्रॉप का अपना अलग मार्केट वैल्यू होता है जो फार्मर्स के लिए एक इनकम का सोर्स साबित हो सकती है। डिपेंडिंग ऑफ फार्मर्स ऑन सिंगल क्रॉप डिक्रीजेस, ठीक है कि फार्मर एक क्रॉप पे डिपेंड नहीं हो सकता, वो अलग अलग क्रॉप से भी डिपेंड कर सकता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इंक्रीज इन नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, बिल्डिंग क्रॉप रेजिलियंस टू डिजीज, पेस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये डिजीज को भी कम करता है, पेस्ट ऑर्गेनिजम्स के अटैक को भी कम करता है। बिकॉज अगर हम हर साल क्रॉप का पैटर्न चेंज करेंगे, हर साल अगर क्रॉप अलग अलग ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियस है वहां पे जो पेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिजीज है, वो भी कम हो जाएगी। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर, ठीक है, ये भी इसका एडवांटेज है। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को सरकार ने प्रमोट करने की बात कही है। क्लियर है? नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम। सो गाइस, गाइडलाइन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं स्कीम को रिवाइज कर देता हूं कि जो हमारी स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, इसका मेन मकसद है ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करना, उसको कंजर्व करना, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए हम इजिली वाटर को अवेलेबल करा सकें। कंजर्व करने के लिए सरकार ने कहा था कि हम पैडी कल्टीवेशन की जगह कुछ ऐसी क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे जो इजीली कम पानी में ग्रो हो सकती है। तो जो फार्मर उन क्रॉप्स को इस्तेमाल करेगा, सभी उन फार्मर्स को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अमाउंट दी जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें था कि जो फार्मर अगर पैडी कल्टीवेशन को ड्रॉप करता है और अगर वो दूसरी क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोडक्शन के साथ साथ अगर वो ड्रिप इरिगेशन को यूज करेगा, तो उसको अलग से 85% की सब्सिडी प्रोड्यूस की जाएगी ड्रिप इरिगेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो एक तरह का सरकार ने वहां पे डबल बेनिफिट प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइडलाइंस के बारे में कि गाइडलाइंस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है द फार्मर्स हैव टू डाइवर्सिफाई एटलीस्ट 50% ऑफ देयर लास्ट ईयर कल्टिवेटेड पैडी एरिया बाय ग्रोइंग अल्टरनेट क्रॉप्स, मेज, कॉटन, बाजरा, पल्सेस इन 8 ब्लॉक्स। सिंपल सी इसने बात की है कि कोई भी फार्मर अगर पैडी के कल्टीवेशन का प्लान को ड्रॉप करता है, तो उसको कम से कम 50% एरिया पे पैडी ग्रो नहीं करनी पड़ेगी, तब वो उस अमाउंट के लिए एलिजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मानो, सपोज किसी फार्मर के पास 10 एकड़ जमीन है, अगर वो फार्मर 10 एकड़ में से 5 एकड़ के जमीन पे धान ग्रो नहीं करेगा, उसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव क्रॉप ग्रो करेगा, तभी वो फार्मर एलिजिबल है उस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उस 7,000 रुपए प्रति एकड़ के अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला लागू होगा सिर्फ उन 8 ब्लॉक्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड ₹7,000 पर एकड़। ठीक है, अभी इसके बारे में हमने बात की है। फॉर दीज ब्लॉक्स फार्मर्स विल नॉट बी परमिटेड टू कल्टीवेट पैडी इन एनी न्यू एरिया। अब ये एक नया पॉइंट है। पहले सरकार ने बोला कि एटलीस्ट फार्मर को 50% एरिया ड्रॉप करना होगा पैडी कल्टीवेशन के लिए, जिसकी जगह वो अल्टरनेटिव क्रॉप इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा पॉइंट सरकार ने कहा कि वो फार्मर जिसने अभी तक पिछले सीजन में जिस जमीन पे पैडी ग्रो नहीं किया था, तो वो इस नए खरीफ सीजन में उस नई जमीन पे भी पैडी ग्रो नहीं कर सकता, तभी भी वो एलिजिबल होगा ₹7,000 को ऑब्टेन करने के लिए। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को कि फार्मर किसी नई जमीन के ऊपर भी इस सीजन में पैडी की कल्टीवेशन नहीं कर सकता, तभी वो एलिजिबल होगा इस ₹7,000 के लिए। ओनली दोज फार्मर्स विल बी एलिजिबल फॉर गेटिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स पर एकड़ हु विल डाइवर्सिफाई मोर देन 50% एरिया। तो देखो, वही पॉइंट आपके सामने है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। इन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ ग्राम पंचायत इन वेरियस ब्लॉक्स द पंचायत विल नॉट परमिट पैडी ग्रोइंग इन देयर लैंड। हमने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बोला था कि हरियाणा सरकार ने स्ट्रिक्टली ये रूल निकाला है कि जो सरकारी जमीन है, जो पंचायती जमीन है, हम उसके ऊपर पैडी ग्रो नहीं कर सकते। एप्लीकेबल बेनिफिट्स इन लियू ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम पैडी टू अदर अल्टरनेटिव क्रॉप्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द रेस्पेक्टिव पंचायत। अब सरकार ने इसमें एक पॉइंट इंक्लूड किया कि कोई भी ऐसी पंचायत जो उस पंचायती जमीन के ऊपर अगर पैडी ग्रो नहीं करेगा, तो हम उसके लिए भी कुछ अलग से फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, और वो कितना होगा, वो होगा 7,500, यानी कि ₹7,500 सरकार उस पर्टिकुलर पंचायत को प्रोवाइड करेगी अगर वो उस सरकारी जमीन पे पैडी की कल्टीवेशन नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ऑल दोज फार्मर्स हु आर ऑपरेटिंग देयर ट्यूबवेल विद 50 HP इलेक्ट्रिक मोटर विल नॉट बी अलाउड टू ग्रो पैडी। कोई भी ऐसा फार्मर जो ऑपरेट करता है 50 HP इलेक्ट्रिक मोटर से, उसको भी परमिशन नहीं है पैडी को ग्रो करने के लिए। द फार्मर्स हु डाइवर्सिफाई लेस देन 50% एरिया ऑफ देयर लास्ट ईयर पैडी एरिया इन ब्लॉक्स विल नॉट बी एलिजिबल। तो
तो ये बिल्कुल उसी पॉइंट का ऑपोजिट है कि अगर फार्मर 50% से कम एरिया में पैडी को अगर ग्रो करता है, पैडी को ग्रो अगर नहीं करता, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा उस फाइनेंशियल असिस्टेंस को ऑप्टेट करने के लिए। क्लियर है पॉइंट? ऑल डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स सच एज मेज, बाजरा, पल्सिस विल बी प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहां पे बात की है एमएसपी के बारे में, और ये इस स्कीम का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए साबित होता है। पहले हमने बात की थी वाटर शॉर्टेज के लिए कि पैडी को कल्टीवेट करने का प्लान ड्रॉप करके फार्मर किसी अल्टरनेटिव क्रॉप को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा हमने बात की थी सब्सिडी के बारे में कि अगर फार्मर अपने फील्ड में ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करता है तो उसको अलग से 85% सब्सिडी दी जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर फार्मर अपने फील्ड में पैडी कल्टीवेशन का जो प्लान है अगर उसको ड्रॉप करता है और अगर उसकी जगह वो अल्टरनेटिव क्रॉप यूज करेगा तो सरकार उसका एमएसपी जो है इंक्रीज रेट पे उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये स्कीम हमारी लॉन्च की थी 17 मई को, और जून के फर्स्ट वीक में सरकार ने खरीफ सीजन 2020-2021 का एमएसपी लॉन्च किया है। तो जब आप वो लिस्ट देखेंगे एमएसपी की तो आप उसमें क्लियरली कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल के एमएसपी को और इस साल के एमएसपी को। जो ये अल्टरनेटिव क्रॉप्स हैं इन सभी का एमएसपी सरकार ने इंक्रीज करके दिया हुआ है फार्मर्स के लिए। तो इसी बेस के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी कि एमएसपी हम फार्मर्स को इंक्रीज करके देंगे ताकि उनका जो अमाउंट है, जो उनका प्रॉफिट है, उसमें ज्यादा वेरिएशन ना आ सके। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है एमएसपी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल मेज ड्रायर इन रिलेटेड ग्रेन मार्केट्स फॉर रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मेज प्रोड्यूस बाय द फार्मर। मेज को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम उसमें मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं, तो सरकार जो है अब मेज ड्रायर को अलग से इंस्टॉल करेगी ग्रेन मार्केट के अंदर ताकि हम समय रहते एक ऑप्टिमम अमाउंट में मॉइस्चर का कंटेंट रिलीज कर सके मेज के अंदर से। क्लियर? 85% सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द डिपार्टमेंट विल प्रमोट मैकेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेटिक नॉर्मल मेज साइज सीड प्लांटर फॉर सोइंग ऑफ मेज क्रॉप। तो मेज की क्रॉप की सोइंग करने के लिए सरकार ने एक नॉर्मल साइज का न्यूमेटिक मेज सीड प्लांटर भी प्रोवाइड करने के लिए इसमें प्रावधान रखा हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच टारगेटेड ब्लॉक फॉर शोइंग बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू द फार्मर्स फॉर गेटिंग गुड यील्ड ऑफ देयर क्रॉप। डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट की बात की है जो कि किया जाएगा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू कि अगर फार्मर नई क्रॉप का इस्तेमाल करता है तो उसके यील्ड को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस फार्मर फॉलो करेगा, तो उन प्रैक्टिसेस को फार्मर तक पहुंचाने के लिए सरकार उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट का इस्तेमाल करेगी, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट को शुरू करेगी। फार्मर्स अदर देन द टारगेटेड 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर दिस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। तो यहां पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार ने ये कहा है कि कोई भी ऐसा फार्मर जो इन 8 ब्लॉक से अलग है अगर वो अपने पैडी कल्टीवेशन के प्लान को ड्रॉप करता है तो वो भी एलिजिबल है उस फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रॉफिट लेने के लिए। क्लियर है? तो ये थी इसकी कुछ गाइडलाइंस जिसके बेस पे सरकार ने ये कहा कि हम किस तरह से फार्मर की हेल्प करेंगे और हम किस किस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, द इंसेंटिव ऑफ ₹7,000 विल बी प्रोवाइडेड इन टू इंस्टॉलमेंट। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑफ ₹2,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 एट द टाइम ऑफ क्रॉप मेच्योरिटी। तो जो सरकार अमाउंट प्रोवाइड करेगी ₹7,000 की वो दो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड की जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट है ₹2,000 की एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, फार्मर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि वो अपने फील्ड में धान की खेती नहीं करने वाला, तो रजिस्ट्रेशन कराते ही उसको ₹2,000 का अमाउंट दिया जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट दी जाएगी उसकी जो अल्टरनेटिव क्रॉप है उसकी मैच्योरिटी होने के बाद, तो वो इंस्टॉलमेंट है ₹5,000 के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ₹7,500 पर एकड़ विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू दोज ग्राम पंचायत हु विल नॉट ग्रो पैडी ऑन द पंचायती लैंड ऑफ दैट विलेज। तो देखो, सरकार ने एक स्ट्रिक्टली पॉइंट निकाला था कि ग्राम पंचायत पे हम कोई भी पैडी की कल्टीवेशन नहीं करेंगे इस सीजन में। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत जो इस सीजन में पैडी कल्टीवेशन नहीं करता उस सरकारी जमीन पे, तो उस ग्राम पंचायत को पर एकड़ के हिसाब से ₹7,500 सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दिस स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव एंड सपोर्ट थ्रू द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो थ्रू द हॉर्टिकल्चर मिशन। यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा अगर कोई फार्मर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स स्पेशली वेजिटेबल्स अगर वो ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार ने अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस रखे हुए हैं, तो वो भी फार्मर को प्रोवाइड किए जाएंगे।
क्लियर है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट गाइडलाइंस जिनके बेस के ऊपर सरकार ने कहा कि ये स्कीम एक सक्सेसफुल स्कीम है और फार्मर्स तो को गाइस इनके अभी तक लिए एक हमने अलग इस से अमाउंट स्कीम के प्रोवाइड देखे की जाएगी। पॉजिटिव चलिए पॉइंट्स, जहां पे अभी सरकार आगे किस मूव तरह करते फार्मर हैं। को हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट फाइनेंशियल अगेंस्ट असिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन बाय ऑन प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग सब्सिडी कल्टीवेशन। एंड बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एमएसपी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसमें कुछ पॉपुलेशन ऐसी है फार्मर्स की जो सरकार की इस स्कीम से नाखुश हैं और वो उसको अपोज करते हैं। अपोज करने के जनरली उनके तीन रीजंस हैं। तो पहला रीजन फार्मर्स ने बताया उसमें ये था कि जो ये फसल ग्रो करने का जो डिसीजन है ये सिर्फ फार्मर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, सरकार इसमें डिसाइड ना करे कि फार्मर कौन सी क्रॉप की सोइंग करें या कौन सी क्रॉप की सोइंग ना करें। तो ये पूरा पूरा हक किसका होना चाहिए? फार्मर का होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उसको अपने फील्ड में कौन सी क्रॉप की सोइंग करनी है और कौन सी सोइंग नहीं करनी। कुछ फार्मर्स का कहना था कि जो सरकार ने कहा उसमें मेज कल्टीवेशन करने के लिए, तो उनकी जो सॉइल है और उनका जो क्लाइमेट है वो मेज कल्टीवेशन करने के लायक नहीं है, तो इसलिए हमें मेज कल्टीवेशन एक तरह से नहीं हो पाएगी। और तीसरी जो कैटेगरी थी फार्मर्स की, उन्होंने ये कहा कि जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के थ्रू 7,000 रुपए का, ये काफी कम है। तो इस तरह के कुछ फार्मर्स थे जिन्होंने इस स्कीम को अपोज किया। अपोज करने के लिए कुछ स्कीम्स ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, ठीक है, ट्रैक्टर मार्च निकाला जिसमें सरकार जिसमें हर तरह के फार्मर अवेलेबल थे जो सरकार के फैसले को अपोज करते हैं, मेज की कल्टीवेशन को अपोज करते हैं और जो प्रोत्साहन राशि देने वाली अमाउंट को भी अपोज करते हैं। तो उन्होंने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, फार्मर्स हैव स्टार्टेड ए किसान बचाओ खेती बचाओ कैंपेन। तो जो उन्होंने मार्च निकाला उसने इस मार्च को नाम दिया किसान बचाओ खेती बचाओ कैंपेन, जो इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट था। और तीसरा आप इसके अंदर पॉइंट है, दे इन्फॉर्म दैट सॉइल एंड क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ देयर कल्टीवेशन। जो सरकार ने बात की 8 ब्लॉक्स के बारे में, तो उन 8 ब्लॉक्स में मेज की कल्टीवेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा वहां के किसान मानते हैं। और लास्ट इसके अंदर पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू देम द कंपनसेशन ऑफर्ड इज इनएडिकेट एज वेल। तो जो उनको अमाउंट दी जा रही है 7,000 रुपए की, वो भी उन फार्मर्स के लिए काफी कम है। तो इसलिए इस फार्मर ने इस स्कीम को अपोज करना स्टार्ट किया। क्लियर है? सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।